सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज आपां प्रोफेसर पूरन सिंह जी की कविता पशु चरदे पढ़ांगे। केड़ी कविता? पशु चरदे। किसकी? प्रोफेसर पूरन सिंह जी की। ए प्रोफेसर पूरन सिंह जी का चित्र है। इन्हां दा जन्म 1881 विच पाकिस्तान विच होया सी। जिहड़े प्रोफेसर पूरन सिंह हन, इन्हां ने हमेशा खुली कविता लिखी है ते इन्हां ने छंद नूं नवाबी जुत्ती दी कैद मन्निया है। केड़ी कविता अज आपां प्रोफेसर पूरन सिंह जी दी पढ़ांगे? पशु चरदे। हुण आपां प्यारे बच्चे अपनी कविता शुरू करते हां। पशु चरदे। सावे सावे घा उत्ते, हरे हरे घा उत्ते, गऊआं ते मझियां दा चरना। गावां मझियां भाव जिन्हां नूं आपां हिंदी च भैंसां वी कहिंदे हां, उहदा चरना भाव घा दा खाणा। सिर अपना नीवा किते, अपना सिर नीवा करके धरती वल, पशुआं दा चुप चपीते, पशुआं दा चुप चाप, चुगना रजना ते नसना। नसना भाव दौड़ना कि घा नूं चुगना, अपना ढिड भरना ते घा खा के जदों ढिड भरजे ते उदों नसना भजना। देख देख मुण लोचा, पशुआं नूं देख देख के कवि कहिंदा है, मैं सोचदा हाँ, मैं इच्छा रखदा हाँ, मैं मुड़ पशु थीन नूं, मैं पशु बनन दी आशा रखदा हाँ। परमात्मा तो यह सीस मंगदा हाँ कि परमात्मा मैनू भी पशु बना दे, आदमी बन बन थकिया। इत्थे कवि कहिंदा है कि मैं आदमी बन के थक गया। इन्हां पशुआं दे केहे निक्के निक्के कम सारे, इन्हां पशुआं दे किन्ने प्यारे प्यारे निक्के कम हन, ते सोहणियां बेजिम्मेवारियां, ते जिम्मेवारियां भी बड़ियां ही सोहणियां निक्कियां निक्कियां। घा खाणा ते दुध देना, घा खाणा है ते दुध देना, यही इन्हां दी छोटी छोटी जिम्मेवारियां। किहा कोमल जिहा हुनर इन्हां चुपायां दा, चुपायां दा मतलब चार पैरां वाले जानवर। कवि कहिंदा है कि जिहड़ा इन्ने चार पैरां वाले जानवर हन, इन्हां दा किन्ना कोमल प्यारा जिहा हुनर है। की है हुनर? घा खाणा ते दुध देना, ते खुशी विच नसना, ते खुशी विच इधर उधर बेतहाशा दौड़ना। दुम उपर नूं मोड़ के, दुम दा भाव की है? पूछ। जड़ी की है? वो अपनी जो बहुत खुश हुंदे हन, अपनी उपर नूं मरोड़ के खुशी दे विच दे चक्कर ते उताहां नूं कुद्दे ते चक्कर लगाउंदे हन। खुशी विच दुम उपर नूं करके ते कदे उपर कदे थले अगाहां नूं दौड़दे हन। नसना बेतहाशा अगाहां नूं, बेतहाशा दा बिना रोक टोक दे हमेशा यह पशु जो खुशी होंगे अगे अगे वालू दौड़ते रहते हैं। सिंगा उत्ते उलारना, जेड़ा अगे आए कोई, ते जेड़ा कोई अगे आंदा है उन्हें अपने सिंगा उत्ते उपर उलार के कर लेंदे हैं। बस इन्ना ही कम्मा लई, बस इन्ना ही कम्मा लई, किन्ना कम्मा लई? दुध देना, घा खाना, मालक दे हाथ दियां थप्पड़ियां, मालक दे हाथ दे प्यार नाल शाबाशी बोलते हैं जो इन्हों की उपर, ते वड्डियां वड्डियां खुशियां। इन्हां लई इही सब तो वड्डियां खुशियां हन। केड़ियां? मालक दियां शाबाशियां, लू कंडे करन वाले प्यार दियां। ते इन्हां नाल ही लू कंडे इन्हां दे खड़े हो जांदे ने, भाव शरीर विच सनसनी छा जांदी है। इन्हां नूं इन्ना प्यार मिलदा है मालक दा। मुड़ मुड़ लोचा पशु थीन नूं, मैं आदमी बन थक्या। हुण इत्थे कवि कहिंदा है कि मैं जदों पशुआं दे जीवन नूं देखदा हाँ, मैनू इदा लगता है कि जी आदमी के जीवन में जिम्मेवारियां बहुत वड्डियां हन, उन्होंने वह निभाउंदा निभाउंदा हुण थक चुकिया है, ते वह भी इदी करता है कि वह पशु बने ते निक्की निक्की जिम्मेवारियां निभाए। हुण इस तरह आपां बच्चो इस दी प्रसंग सहित व्याख्या बहुत अच्छी तरह कविता पढ़ के करांगे। धन्यवाद।